गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आप सभी का स्वागत है भारत की यात्रा में फिर से एक बार। पिछले वीडियो में आपको पोरबंदर दिखाया था, वहां से हम लोग पहुंचे सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े सासणगीर के लिए, जो 44 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये एशियाटिक लायंस के लिए बहुत फेमस है। वहाँ दो दिन गुजारने के बाद हम जा पहुँचे जूनागढ़। जूनागढ़ में एक दोस्त के वहाँ शादी थी, तो वहाँ जा करके थोड़ी मजा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सासण के अंदर आपको बहुत सारे रिसोर्ट मिल जाएंगे। हम भी गए वहाँ पर, वी चेकड आउट कपल ऑफ रिसोर्ट्स एंड फाउंड वन गुड। तो वहाँ रुक गए शाम को भोजन के बाद। बाहर ठंड अच्छी थी, तो आग में सेकने का मज़ा भी कुछ अलग होता है, तो हम भी वहाँ पर बैठ गए। लेकिन रिसोर्ट जो है जनरली सब ऐसे ही रहते हैं, तो ये हमारा रिसोर्ट बीच में अच्छे से लोन थी, पीछे स्विमिंग पूल है, ठीक ठाक मेंटेन किया हुआ था। वैसे अभी ठंड उतनी थी तो कोई जाने वाला नहीं था। लेकिन सरप्राइज़ जो है वो ये, यहाँ पर आए तो कुछ लोग डांस परफॉर्मेंस के लिए तैयार थे। कौन है ये लोग, हू आर दिस पीपल। ये जूनागढ़ के पास जांबूरा करके एक जगह है, वहाँ पर एक अफ्रीकन ट्राइब बहुत सालों से रहती है। आई थिंक अरब स्लेव ट्रेड से ये लोग यहाँ आए होंगे। इंडिया के अंदर कहते हैं ऑलमोस्ट 50,000 लोग हैं ऐसे, और पाकिस्तान में तो 2.5 लाख के ऊपर ये अफ्रीकन ट्राइब के लोग रहते हैं। बहुत अच्छा डांस, काफ़ी हंसी मजाक करते थे ये लोग। आपके पास आएंगे, कुछ ऐसे ऐसे एक्ट करेंगे। अब ये देखिए, ये भाई साहब जो है, नॉर्मल देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत मोटे हैं, ज़्यादा हिल भी नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर में आप देखेंगे इनका कर्तव्य कैसे होते हैं। जनरली ऐसे लोगों को अगर हम देखेंगे तो जो स्लाइटली डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, हेयर कर्ली होते हैं, लगेगा कि ये दूसरी कंट्री से आए हैं। लेकिन ये यहीं पर रहते हैं, गुजराती भी अच्छा बोलते हैं, गुजराती के जैसी ही सारी उनकी आदतें, जैसे कि खाना पीना, यहाँ का जो लोकल व्यवहार होता है, तो सारे वहीं के वहीं। और ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों को तो पकड़ पकड़ के इतनी मजा करते थे ये लोग, वेरी फन। अब ये पैसे रख दिए तो लुक एट दिस, हेड स्टैंड करके दे वुड पिक अप द मनी। बच्चों को भी मजा आ गया, सब लोग पैसे रखने लगे, तो एक के बाद एक। अब ये देखिए पीछे जो मोटा लड़का था, ही इज़ ऑल्सो डूइंग ए हेड स्टैंड एंड पैसे अपने मुँह से लेते हैं। तो ये देखिए एकदम से हेड, सोच नहीं सकते हैं, लेकिन काफ़ी अलग अलग तरह के कर्तव्य दिखाए इन्होंने। उसके बाद ये देखिए, ये जो मोटा वाला था, हेड स्टैंड, कैसे हेड स्टैंड या क्या बोलते हैं उसको, बट काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी स्पोर्टिव थे, बच्चों को, बड़ों को, सबको अच्छे से एंटरटेन करने के बाद ये देखिए, मुंह से धुआं, आका आग निकालते हुए कैसे करते हैं ये देखिए। में शायद ये केरोसिन या पेट्रोल कुछ भर देते हैं, और उसके बाद हाथ के अंदर एक ऐसी आग रहती है, पूरा मुंह भरा हुआ है इसका। अब ये देखिए भाई साहब जो है, फू करेंगे और पूरा धुआं निकलेगा। एक बार तो इन लोगों ने चार चार पांच लोग जो है, जो सामने ऐसे खड़े हैं, दे ऑल डिड द होल थिंग एज अ कोऑर्डिनेटेड वे। तो देखिए चारों ने मुंह में भर लिया है। अब ये देखिए, तो पूरा इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर था, डांस सब जगह पर। लगेगा कि आप अफ्रीका के अंदर बैठे हो। हमने भी काफ़ी मज़ा किया, ये हम अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठे हुए। तो वहाँ पर दिन बिताने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग चल पड़े जूनागढ़ के लिए। रास्ते में एक ऐसा तालाब आया। अब हमारी कोई स्पीड फिक्स नहीं होती है, हम कोई डेस्टिनेशन डिसाइड करके नहीं निकलते, तो जहाँ मन करता है तो रोक सकते हैं। तो वी हैड ऑल द टाइम इन वर्ल्ड। तो एक अच्छा सा तालाब था, कोई नहीं था वहाँ पर, छोटा सा मंदिर था, तो हम लोग जा पहुँचे वहाँ। तालाब के पास काफ़ी बेर के पेड़ थे, तो वहाँ पर भी कुछ तोड़ के खाए। मधुवन अगरबत्ती उद्योग, ये एक ऐसी शॉप मिली है मेंदरणा से 3-4 किलोमीटर पहले, बोले तो
जूनागढ़ से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर पहले। तो बड़ी शॉप है, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर अलग अलग, मोगरा, लोबान, पॉन्ड्स, चंदन, गुगड़, गुलाब, पर्पल, गोल्ड, गार्डन, कावेरी, कृष्णा, सैंडल, तो ये अलग अलग तरह की इंसेंस स्टिक्स या अगरबत्ती जो बोलते हैं वो है। ये ऐसे वेट करके आपको दी जाती है, 100 ग्राम्स का 50 रुपीस। कितनी अगरबत्ती है? यह जो अगरबत्ती है इसके अलग अलग प्राइस होते हैं, 15 रुपए से अपेरेंटली स्टार्ट होती है और भैया बोलते हैं कि 5,000 रुपए तक 100 ग्राम होता है। दादाजी बैठे हैं और यहाँ पीछे अगरबत्ती की फैक्ट्री जहाँ ये बनाते हैं। तो इंसेंस स्टिक बनाने की प्रोसेस कुछ ऐसी है कि नॉर्मल जो स्टिक होती है उसको ये मशीन में राइट से डालते हैं, ये जो जार है उसके अंदर प्रीमिक्स पाउडर रहता है ब्लैक कलर का, तो जैसे स्टिक अंदर जाती है और राइट साइड में निकलती है तो उसके ऊपर पाउडर जो है वो चिपक जाता है। पाउडर इज़ दैट ब्लैक काइंड ऑफ थिंग व्हाट यू हैव ऑन द स्टिक, तो वो उसके ऊपर चिपक जाता है। नॉर्मली एक मोल्ड रहता है, तो अगर आपको इंसेंस स्टिक बनानी है तो वो गोल रहेगा, और अगर आपको धूप बनाना है, धूप की जो जाड़ी से स्टिक आती है वो बनाना है, तो आपको अंदर का जो मोल्ड है वो चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ये मोल्ड है वो आपको चेंज करोगे तो आपको स्टिक मिलेगी। अच्छा, ये जो है वो तो सिर्फ स्टिक है, इसके ऊपर सेंट लगाना पड़ता है, तो उसमें डिप करेंगे। जैसे ये डिप किया हुआ है तो इसके ऊपर अत्तर या जो सेंट होता है वो डिप करेंगे, उसको सुखाएंगे, फिर 12 घंटे तक सुखाने के बाद ये तैयार होता है। इसमें 2 घंटे सुखाना पड़ता है, 2 घंटा इसके अंदर, फिर 12 घंटा ऐसे। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस है। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैडम के पहचान वाले आ गए हैं, तो ये बातें करना शुरू कर दिए हैं। भैया का यहाँ पर खेत है पीछे, यहाँ कुछ खेत की विजिट करते हुए कोरिएंडर लीव्स बोए हुए हैं यहाँ पर, तो ये कोरिएंडर है फ्रेश, वहाँ बैंगन, ये तो आम है, टमाटे है, बैंगन है, तूरिया है। मेरी धर्मपत्नी का जन्म यहीं पर कहीं हुआ था, शाहपुर करके गांव में। तो उनके बचपन में उनके एक घर में सर्वेंट हुआ करते थे, वो अभी भी वहीं पर रहते हैं, काफ़ी एजेड है, तो सोचा कि उनको मिलने चलते हैं। बहुत छोटा सा गांव था, ऐसा एक रास्ता जहां दोनों तरफ पानी है, वहां से हम लोग निकले। काफ़ी इंटीरियर में उनका घर था, ये सब ऐसे नैरो रस्तों से गुजरते हुए हम लोग जा पहुँचे उनके घर। अंकल थे बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। लेट्स मीट। तो जो अंकल थे बहुत भावुक हो गए थे, बहुत इमोशनल हो गए थे। ये मीटिंग के बाद हम लोग जा पहुँचे जूनागढ़। जूनागढ़ होटल में चेक इन करने के बाद घूमने निकल पड़े। पहला पड़ाव ऊपरकोट, तोरण आर्किटेक्चर। ये कार्विंग जो इंट्रिकेट है, ये तोरण जैसा बनाया है। हम लोग आ पहुंचे ऊपरकोट। ये मौर्यन टाइम्स का लगभग 2000 साल पुराना फोर्ट है। इसकी एंट्री टिकट 100 रुपीज़ पर हेड है, जो आउटसाइडर्स है उनके लिए। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए 50 रुपीज़ होगा। बहुत बड़ा है, यहाँ 3-4 किलोमीटर का वॉक है। हम लोग बहुत लंबा ऐसा चल करके नीचे उतरने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। ऊपर अच्छा एक व्यूइंग पॉइंट है, वहाँ से सिटी का अच्छा व्यू आता है, और यहाँ से पता चलता है कि जो डबल बैरिकेड या डबल ब्रिज को प्रिवेंट करने के लिए, यहाँ बीच में एक बड़ा सा खाई जैसा था, तो राइट साइड में आपको एक बड़ी सी वॉल है 60 फीट ऊपर, वहाँ अगर किसी ने क्रॉस कर भी लिया तो सीधा गिरेगा खाई के अंदर, बिकॉज देयर इज अनदर लेवल। सो दो लेवल में ये फोर्ट को बनाया गया था, बहुत सुंदर। गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ रिनोवेशन में। ये जो जैसे कैनन है, दमन या दीव से लाई गई है, तो कुछ शोभा में भी अभिवृद्धि होती हुई। यहाँ से जूनागढ़ का व्यू आता हुआ 60 फीट की हाइट पे
हम जहाँ खड़े हैं काफ़ी सुंदर दिखता हुआ, शायद कैमरा उसकी जस्टिस ना कर पाए, ये पूरी वॉल फोर्ट की 2,500 साल पहले ये सब स्ट्रक्चर बनते थे, वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग जा पहुँचे बुद्धिस्ट केव में, ये भी कहते हैं 2,300 BC की बनी हुई है, तो ऑलमोस्ट 2,500 साल पुरानी केव्स। अब यहाँ जगह बस ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर दिखता हुआ, हम लोग लगभग ज़मीन से 1 या 2 लेवल नीचे है ऑलरेडी। अभी पुराना स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक तरह से मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है। छोटी सी केव्स है ऐसे जहाँ बैठ के पता नहीं मेडिटेशन करते होंगे या फिर। और नीचे जाते हैं देखते हैं भूल भुलैया जैसा चीज़ें, देखिए छोटे से रास्ते 2nd लेवल नीचे आए तो एकदम बड़ा सा हॉल जैसा लगा, जैसे कि महाराज का नहीं एक सभा मंडप होता है। देखिए कार्विंग कैसे हैं, जो पोल्स है स्तंभ बोलते हैं आई थिंक, उसका भी एक प्रभाव बहुत अच्छा था वहाँ पर। यहाँ क्या होता होगा वी डोंट नो अबाउट इट, हो सकता है शायद कुछ रिलीजियस डिस्कोर्स वगैरह भी करते होंगे यहाँ पर बुद्ध भगवान या फिर उनके जो डिसाइपल्स होते होंगे, लेकिन कार्विंग छोटा छोटा आपको दिखता है। आई थिंक दीज थिंग्स वुड बी 2000 ईयर ओल्ड, जो कुछ चीज़ें देख के समझ में आता है। यहाँ आप साइकिल्स रेंट पे ले सकते हो 50 रुपीज़ पर आवर, तो उससे क्या है कि घूमने में काफ़ी सरलता हो जाएगी, अदरवाइज 5-6 किलोमीटर चल के जाना सब जगह पर बहुत। ये देखिए नवगण कुआ वेल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो भी, लेकिन हाँ मैं बता रहा था कि साइकिल ले लीजिएगा आप, एंट्रेंस में ही मिल जाती है अंदर आने के बाद। अड़ी कड़ी वाव बोलते हैं, दो लड़कियां जो थी उसका सेक्रीफाइस दिया गया था, इति चेती, तो दो लड़कियों को यहाँ पर बलिदान दिया था। काफ़ी डीप है नवघण कुओं, तो वहाँ जो है कुआ है और ये स्टेपल, देखते वहाँ से लगभग 200 स्टेप्स है डाउन। ये अड़ी कड़ी वाव स्टेपल, तो मैं जैसे बता रहा था कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी वेल मेंटेन्ड है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, सब जगह पर सिक्योरिटी रहती है, ऐसे इंफॉर्मेशन के पैड्स रहते हैं सब जगह पर, म्यूज़िक बजता रहता है बैकग्राउंड में, तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी जगह पर स्पीकर्स लगाए हैं और हम लोग जा पहुँचे यहाँ के एपिक जगह पर जो बोलते हैं धक्का बारी। धक्का बारी बोले तो देयर इज़ अ स्मॉल विंडो, अगर कोई क्रिमिनल को फांसी लगानी है या मौत की सजा दी है तो आप उसको यहाँ ले आइए और बहुत हाइट से ये जो एक विंडो है वहाँ से धक्का मार दीजिए। धक्का बारी है, कहते हैं कि यहाँ से क्रिमिनल्स को धक्का देते थे सीधा नीचे। धक्का बारी आई थिंक 30-40 ईयर्स पहले शायद कोई यहाँ पर आया था, बताते थे कि देर वॉज नो हाउसेस, पूरे पत्थर हुआ करते थे यहाँ पर। तो साइकिलिंग का मज़ा अलग, सबसे ऊपर ये तालाब। हेलो, और ये हम सुंदर सा तालाब है यहाँ पर, और अब डाउन स्ट्रीम। नमस्कार, ऊपर कोट में लास्ट में नवाबी तालाब देखने के बाद हम जा पहुंचे शादी में, जहां मेरे दोस्त के बेटे की शादी थी। ये संगीत संध्या शादी के एक दिन पहले वाली रस्म, काफ़ी मज़ा आया, शायद 1:30 बजे तक चला था, लेकिन हम लोग 11-11:30 बजे निकल गए, काफ़ी थके हुए थे लेकिन काफ़ी मज़ा आया। नेक्स्ट डे पूरा था हमारे पास, तो यहाँ पर आ गए थे लेकिन दोपहर में घूमने भी निकल पड़े। विलिंगडन डैम, ये जूनागढ़ से लगभग 5-6 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर ये पड़ता है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ फेड बाय द रेन वाटर, आजू बाजू में रेन वाटर जो है उससे ही भरता है, एंड
पूरे जूनागढ़ को पानी सप्लाई यही करता है अपेरेंटली। ठीक ठाक साइट है, ऐसा कुछ खास विजिटिंग प्लेस नहीं है। आप आओ यहाँ पर, गाड़ी पार्क कीजिए वहाँ पर और 100 स्टेप्स है, आप ऊपर ले लीजिए आप पहुँच जाओगे। या फिर यू कैन पार्क योर कार हियर ऑल्सो, यहाँ से भी दोनों साइड से है। थोड़ा रोड साइड ईटिंग का है, सोडा पी सकते हो, चाय पी सकते हो, शायद शाम को आओगे तो माहौल थोड़ा ठीक ठाक हो सकता है। तो विलिंगटन डैम देखने के बाद हम लोग फिर जा पहुँचे शादी में, बारात। तो हमारी 8 दिन की कोस्टल ड्राइव की यात्रा, 2 ज्योतिर्लिंग द्वारिका और काफ़ी अलग अलग जगह देखने के बाद यहाँ पर जूनागढ़ में समाप्त हुई। जूनागढ़ से 350 किलोमीटर की ड्राइव हमने 9 बजे शुरू की थी, तो रात को 2:30 बजे घर पहुँचे और उसके बाद आराम। तो अगली ट्रिप में मिलते हैं हिमालय की तरफ, तब तक के लिए अपने आप को स्वस्थ रखिए, सेफ रहिए, फिर मिलते हैं जल्द ही।